कारुट की फर्स्ट मॉड्यूल किया था. इन दैट वी डिड एक्टिविटी ऑल्सो एंड द मेजर थिंग आई टोल्ड यू इन दैट कि वेन अरेंज द थिंग्स. Am I audible to everybody? All the sections, raise your hand. Am I audible? Okay, fine. All right. So we did the activity also related to square root, if you remember. उसमें major एक बहुत ही activity से related major part मैंने आपको क्या बताया था कि square root की condition क्या होती है, कोई भी number perfect square कब होता है. हमने अरेंज भी किया था 25 बॉल्स को. जब अरेंज किया था वी कुड सी कि सारी की सारी बॉल्स आपकी प्रॉपर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज में डिवाइड हो गई थी, इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, तो उससे क्या पता चला, जब सारी के सारे ऑब्जेक्ट्स आपके प्रॉपर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज हो जाते हैं, दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. एंड इफ सम नंबर इज लेफ्ट, सम ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट, एक्स्ट्रा बॉल्स है आपके पास या फिर एक्स्ट्रा रोज है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, सो दैट वाज अ रिकॉग्निशन फॉर स्मॉल नंबर्स जिनको आप अरेंज करके देख सकते हो. अदरवाइज ऑल्सो कोई हायर नंबर भी है, 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, उसको आप कैसे देखोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है. उसके लिए आपके पास टू मेथड्स है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें आप एलसीएम लेते हो ऐसे नंबर्स को लेके, और दूसरा मेथड आपके पास होता है लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन इफ यू रिमेम्बर. ओके, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज लॉन्ग डिवीजन इन स्क्वायर रूट. रेज योर हैंड, हैव यू डन इन क्लास? दैट्स ग्रेट, फाइन. सो वी हैव टू डू क्वेश्चन आइदर इन फैक्टराइजेशन मेथड और इन लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके फाइन, लेट अस स्टार्ट मॉड्यूल टू. आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं. लास्ट टाइम क्वेश्चंस हमारे थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, आज थोड़े से उसे नेक्स्ट लेवल वाले क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 53,361. दिस इज अ बिट बिग नंबर, इट्स फाइन, प्लीज स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर वन. यस, सेक्शन टू हैज जस्ट ज्वाइंड आई थिंक. प्लीज फेस टुवर्ड्स मी. सिटिंग स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ऑन द स्टूल्स लुक फॉरवर्ड, फाइन. आई जस्ट टोल्ड द अदर सेक्शंस दैट लास्ट टाइम वी डिड एक्टिविटी ऑन स्क्वायर रूट. मॉड्यूल वन भी किया था हमने, एक्टिविटी भी की थी, रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी किया था. इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि अगर आप ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में डिवाइड करते हो, इट मीन्स दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसकी रिकग्निशन होती है. अगर सपोज हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स इन अ ग्राउंड, दे आर स्टैंडिंग, अगर मैं 100 स्टूडेंट्स को प्रॉपर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज कर दूं, ठीक है, कोई लेफ्ट ओवर बच्चा ना हो और कोई लेफ्ट ओवर मेरे पास स्पेस भी ना हो रो या कॉलम, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? 100. सिमिलरली अगर मैं 150 बच्चों को अरेंज करूंगी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में, तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा बच्चे मेरे पास हो जाए साइड पे खड़े हैं कि मैम हम कहाँ खड़े हो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू है कि ऑफ कोर्स आपको पता है वो स्क्वायर की इमेज ही बनेगी ना विजुअलाइज. जब आप टॉप फ्लोर से विजुअलाइज करोगे आपको दिखेगा कि वो बच्चे जो है वो स्क्वायर फॉर्म में खड़े हुए हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, इज इट? तो इट मीन्स दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर नहीं खड़े हैं या एक्स्ट्रा बच्चे खड़े हैं साइड पे या फिर एक्स्ट्रा रोज है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल टू. आई जस्ट रिवाइज इट फॉर सेक्शन टू, वी हैव जस्ट ज्वाइन. अभी हम मॉड्यूल टू स्टार्ट करने वाले हैं जिससे जिसमें आपके थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉड्यूल, बट हायर डजन मीन कि वो दे आर डिफिकल्ट, दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल बिकॉज द प्रोसेस इज सेम. टू डिजिट जल्दी से कर लेते हो, 4 डिजिट में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट दैट दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ओके बच्चे, लेट अस स्टार्ट इट. द स्क्वायर रूट ऑफ 53,000, द नंबर इज 53,000 361. एवरीबडी नोज द मैथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. जस्ट नाउ यू टोल्ड कि आपने लॉन्ग डिविजन मैथड किया हो, तो लेट अस स्टार्ट इट. ऑल्सो डू इन योर नोटबुक. डूइंग इट 53,361. यू नो वी स्टार्ट बाय दिस, इसका सिंबल ऐसे होता है लॉन्ग डिविजन का, फाइन. एंड फर्स्ट थिंग वॉट वी डू, हु विल टेल मी हाउ बिफोर स्टार्टिंग द लॉन्ग डिविजन फर्स्ट स्टेप क्या होता है?
the number, everybody told. I was just searching the name to be asked. It's fine. Then you can peer the number from the back side. Please remember. आगे से नहीं, फाइव से नहीं करना, बैक साइड वंस प्लेस से हमने पेयर्स बनाने, एंड यू नो दैट फाइव इज लेफ्ट बिहाइंड, अकेला रह गया है, तो पहले हमने उसको डिवाइड करना है, एंड वी लुक फॉर द नंबर जो कि यहाँ भी सेम हो और क्वेश्चन में भी सेम हो. यू नो डिवाइजर एंड क्वेश्चन शुड बी सेम, ये आपको पता होना चाहिए. सिंपल डिविजन, टू टू द फोर वी आर डूइंग इट, सब्ट्रैक्टिंग इट, दिस इज वन, एंड ऊपर से जो नीचे आएगा दैट विल कम पेयर जिसके ऊपर आप. ओके दिस इज 133, देन वी एड द क्वेश्चन, जो ऊपर क्वेश्चन था उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, दिस विल बी 4, देन वी सर्च फॉर अ नंबर हेयर एंड हेयर, 33 से वो जाना चाहिए. तो क्विकली यू कैन ऑल्सो ट्राई, यू कैन टेल मी, पीछे 3 आना चाहिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना. क्विकली वी कैन थिंक ऑफ, कैन यू डू दिस बाय दिस, नो यू नो 2 2, वी हैव टू टेक द सेम नंबर, लेट अस ट्राई अदर नंबर, 43 एंड 3, 1 to 9, it seems to be closer to 133, so we will take this number. Let us take 3 here. I'm going to cleaning and writing again. It is 4, 3, and 3 here. This is 129. Please solve it further. Very good. Oh, very good, very good. And upar se 61 together will come down, and here we will add 3 to it. That you know, okay? Help us. बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ पे 46 है, यहाँ भी 46 है, तो टेल मी कौन सा नंबर लोगे फटाफट. बहुत क्लियरली दिख रहा है आपको, 46, 46, यू नो इट, 1, स्क्वायर रूट नंबर इज 231, तो विच ऑप्शन इज मैचिंग, प्लीज मार्क इट, एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन द क्वेश्चन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो. फाइन, प्रोसेस इज सेम, बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी. Fine. Let us move to next question. Few children are noting. I'll wait for a second. Fine. Let us start next question. The square root of, this is a big number and there is decimal also. Be very careful. Isko copy down karo. This is a big number. 73. Note down the number from question paper to your notebook. Ya fir any worksheet to your notebook. Please speak. Lip sync karo. Speak. Matlab speak in mind. Nahi to wo wrong number note down. 69.186704. You know the way I'm speaking now, I used to speak since childhood. मेरी habit ही बन गई है कि बिना बोले number note करना ही नहीं है. तो फिर उससे क्या होता है, question wrong नहीं होता कभी भी. जैसे यहाँ पे 9 लिख दिया, वहां 4 देखा तो इधर गलती से 9 लिख दिया. तो be very careful. Lip sync, speak out while copying down. Okay, this is a big number and there is a decimal also. Yeah, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखूंगी ताकि ऊपर हमारा question आ पाए. 186704. We will make the pair जैसे हम बाकी क्वेश्चन में करते हैं. रूल विल रिमेन सेम. ओके मेक द पेयर, 7 इज लेफ्ट बिहाइंड, सो लेट अस स्टार्ट. हमें तो सेम ही मेथड से करना है. फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हु विल टेल मी? आई वॉन्ट टू कॉल नेम्स नाउ. सेक्शन 3, आयान गुप्ता, रॉक सेक्शन. आयान गुप्ता, आर यू देयर? यस, आगे आ जाओ. Somebody is raising his hand. Yes, आगे आ जाओ बेटे, आप आगे बैठे. सेक्शन 3, यस, कम कम फॉरवर्ड. 2, विल स्टार्ट फ्रॉम 2 बिकॉज 2 2s are 4. लेट अस डू इट. माइनस, तो इट विल बी 3, ऊपर से हमारे पास 34 टुगेदर विल कम डाउन. ओके सारा प्रोसेस सेम है, एंड देन इट इज 2 प्लस 2 4. यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है बेटा, लिख भी सकते हो, यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है. +2, फाइन, दिस इज 4, देन यू कैन ट्राई बाय सम नंबर, थिंक ऑफ अ नंबर, 3 डिजिट नंबर है तो थोड़ा सा बिगर नंबर चूज करना पड़ेगा, ठीक है? एंड यू ऑल्सो ट्राई, आई डोंट नो इससे जाएगा कि नहीं, वी विल, वी हैव टू ट्राई 2 और 3 नंबर, है ना? 22, दिस इज लिटिल फार ऑफ, 225 थोड़ा सा दूर है ना उससे, तो एक और नंबर ट्राई जाएगा तो हम 6 से ट्राई कर लेंगे, डजंट मैटर, ठीक है? 3 to 9, इज इट वेरी क्लोज, इज इट, या इट इज क्लोज, 7, वी कैन टेक 7, सो इट विल बी 3 to 9, द नेक्स्ट 69 विल कम डाउन. यू हैव टू कीप डूइंग सच लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, इन द सेम वे पूरा का पूरा ऐसे ही करना है. आई मस्ट टेल यू द गिव यू द 5 2 आर, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट.
एंड इसकी जो हमारे डेसिमल्स है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आएगा इसका. 22 7 1 लॉन्ग क्वेश्चन. यू कैन राइट द हिंट ऑफ दिस एंड कंप्लीट दिस इन द सेम वे जैसे हमने पहले किया था. ओके, इट इज 271.052. यू कैन मार्क द ऑप्शन ऑल्सो एंड लीव द कंप्लीट इट. विच ऑप्शन इज मैचिंग? ओके, लीव द स्पेस टू कंप्लीट इट लेटर. ओके, और आपको पता है बेटा, जैसे ही आपका ये वन वाला ये 69 नीचे उतार लोगे, इसके बाद जैसे ही वो इसके बाद एक और इसका बेटा प्रोसेस क्या है डेसिमल लगाने वाला. आई मस्ट टेल यू दैट इजी मेथड ऑल्सो, क्योंकि कई बच्चे दूसरे वे से भी करते. 9.186704 है. आप इसका डेसिमल रिमूव करके नीचे जीरो लगा दो. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और वो निकाल लो इसका स्क्वायर रूट. जो भी आंसर आएगा उसका बाद में डेसिमल लगा दो ऊपर. ठीक है, वी कुड डू इन दैट वे ऑल्सो, इट इज योर विश. तो आप चाहे लॉन्ग डिविजन से करो चाहे उससे करो, आंसर एक ही आएगा. ओके, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट. आपके पास इट इज द सेम वे वी डिड इन एक्टिविटी. जैसे हमने बॉल्स को अरेंज किया था रोज एंड कॉलम्स में, वैसे ही यहाँ पे इट इज रिलेटेड विद मी. थोड़ा अंडरलाइन करना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम जस्ट टेलिंग यू. अ योगा इंस्ट्रक्टर वांट्स टू अरेंज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ 6,000. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 6,000. तो योगा टीचर ने अरेंज करना है ग्राउंड में, सो दैट द नंबर ऑफ रोज इज सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स. वही सेम आ गया आपके पास, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए. तो उसकी शेप क्या आएगी, शेप क्या आएगी? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर आएगी. स्क्वायर आएगी तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए. जितने बच्चे परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर होना चाहिए तभी तो वो अरेंज हो पाएंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा बच्चे बच जाएंगे. एंड नेक्स्ट इट इज टोल्ड सो दैट नंबर ऑफ रोज इज सेम एज नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करनी है. एंड इफ 71 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट, 71 वर एक्स्ट्रा, 71 स्टूडेंट्स वर एक्स्ट्रा, 71 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बचे हुए हैं. इससे आपको थोड़ा सा एक पहले हम गेस लगा लें, जरा इमेजिनेशन आपको क्या हो रही है कि टीचर ने खड़ा किया 6,000 स्टूडेंट्स को ग्राउंड में खड़ा किया नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स में और 71 स्टूडेंट्स बच गए या नहीं? वो आर सेइंग नो, रेज योर हैंड. वेरी गुड, हमें स्टोरी से ही पता चल रहा है, उनकी विजुअलाइजेशन से ही पता चल रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हम इसका डिविजन मेथड से इसको निकाल, जैसे आप इसमें बनाते थे. फाइन, स्टार्ट, वी विल स्टार्ट. 7 7 49, ठीक है. 1 0 0 विल कम डाउन, प्लस 7 14, अगेन 5 7, इट विल गो. प्लीज ट्राई 147 7, प्लीज ट्राई क्विकली. 147 × 7, जल्दी से एक रफ कॉलम आपके पास रेडी होना चाहिए बेटा. हु हैज फाउंड सेक्शन 4? कैन आई आस्क यू बेटा? रिशित कुमार, आर यू देयर? यस, खड़े, वेरी गुड. बता दो इसको जल्दी से, इसका आंसर क्या आ रहा है? हैव यू डन बेटा 147 × 7? बहुत, 1029. आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए बच्चे, आप यू आर इन 8th क्लास नाउ. 1029, ठीक है. आपका ये रिमाइंडर क्या आ रहा है इसमें, आप माइनस करके 71. दिस वॉज टोल्ड इन क्वेश्चन ऑल्सो कि 71 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन इसका मतलब ठीक चल रहा है, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन आपका रीचेक हो गया इसमें कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टीचर ने भी 71 स्टूडेंट छोड़े थे और हमारा भी कैलकुलेट करके 71 रिमाइंडर आ रहा है. तो रीचेक हो गया कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है. ओके, तो व्हाट डिड दे आस्क इन क्वेश्चन? दे आस्क कि हाउ मेनी रोज वर देयर, हाउ मेनी रोज वर देयर. आपका क्वेश्चन क्या आया है? दिस इज द आंसर, 77. जिसको ये पता था कि 77 ऊपर वाला जो क्वेश्चन होता है उतनी नंबर ऑफ रोज आएंगे, रेज योर हैंड जिसको पता था. ओके, फाइन. तो यू मस्ट नो बच्चे, ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर अरेंज्ड प्रॉपरली, हाउ मेनी रोज वर देयर, जिनको यूज कर लिया था टीचर ने ग्राउंड में रोज में खड़े होने के लिए, वो कितने थे? 77. सो आपकी ऑप्शन मैच कर रही है सी ऑप्शन, दैट इज 77. जो आगे स्टूडेंट बैठे हैं सेक्शन 3 में, प्लीज लुक फॉरवर्ड, आपके पीछे नहीं देखना बेटे बार बार, ठीक है.
इनके आंसर्स मैच करो जो मैं बता रही हूँ, लाइक टिक मार्क भी करनी है, और अगर आपको थोड़ा थोड़ा नोट करना है हिंट की फॉर्म में तो नोट भी कर सकते हो। किसी को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते तो पूरा क्वेश्चन भी नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर। ओके, शेल वी स्टार्ट न्यू क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर प्रीवियस क्लास, तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9 एंड 15। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर वी हैव टू फाइंड आउट इज इट। सी दे हैव आस्क्ड टू थिंग्स, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक तो वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए, और दूसरा मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए इसका। इसका मल्टीपल 6, 9 एंड 15 का। टू थिंग्स आर आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15? डिविजिबल बाय, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 6, 9 और 15 से डिविजिबल हो। इसका मतलब क्या है बेटा? यू हैव फाउंड द आंसर, दैट्स ग्रेट। हु हैव टोल्ड द आंसर, प्लीज रेज योर हैंड। जिसने बताया आंसर, किसने बताया? यस यस, गुड। सेक्शन वन, यू कैन कम फॉरवर्ड बच्चे। सेक्शन वन फ्रंट पे जो बच्चा बैठा, यू रेज योर हैंड, आगे आ जाओ। वेरी गुड, टेल मी हाउ डिड यू डू? कैल्शियम यस, वेरी गुड। एंड देन मैम 2 2 8 500 एंड देन वी मल्टीप्लाई 500 सो इट्स देन मैम एक्सेलेंट। उससे सबसे पहले एलसीएम निकाला। एलसीएम क्यों निकाला? क्योंकि हमें सबसे पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए था। एक मल्टीपल जो होता है ना बेटा, मल्टीपल कौन होता है? आप वो 2 का टेबल लिखते हो, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो ये जो नंबर्स हैं आपके 6 जो है वो किस किस का मल्टीपल है? 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। ओके, ऐसे हमें इनका मल्टीपल निकालना था, ऐसा नंबर चूज करना था जो 6 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी हो, 15 से भी हो। उसके लिए आप क्या निकालते हो? एलसीएम। आपको छोटी क्लासेस में सिखाया हुआ था कि एलसीएम फाइंड आउट करना है इनका। व्हेन यू फाउंड द एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15, जब आपने एलसीएम निकाला तो आपके पास जो नंबर आ रहा था ही भी परफेक्ट, उसके स्क्वायर नहीं बन रहे थे। इट इज कमिंग 90, काफी बच्चों ने निकाल लिया, दैट्स गुड। 90 आ रहा था, लेकिन उसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं आपके पास, टू, इसके फैक्टर्स क्या बन रहे थे आपके पास? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आपको फैक्टर से क्या लगता है बेटा, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स को देख के? नो। आपको पता चल रहा है कि उनके पेयर्स नहीं बन रहे हैं। वी रिक्वायर 2 एंड 5, मतलब वी रिक्वायर 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 900। सो 900 इज अ नंबर विच इज अ स्क्वायर नंबर एंड विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 9 एंड 15। दिस इज वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम्स यू नो टीचर सिलेक्ट इट फॉर एग्जाम्स। काफी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, प्लीज मार्क इट। आपकी एनसीईआरटी में भी है, अदरवाइज भी यू मस्ट सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन होते हैं उनको एग्जाम्पल की फॉर्म में जो आपकी रेफरेंस बुक है या अदरवाइज सॉल्व किया करो। एंड टाइम को भी ट्राई करना घर पे दोबारा। ओके बच्चे, सो 900 इज द आंसर, सी ऑप्शन इज मैचिंग। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि दिस आंसर वॉज टोल्ड बाय हिम एंड आई हैव एक्सप्लेन इन द सेम वे। ठीक ही बताया उसने। एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनीथिंग, आगे आ जाओ। आई एम गिविंग टाइम टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके चलो आगे चलते हैं। यू हैव अंडरस्टूड, फाइन। फिफ्थ क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। यस, ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, रिमेंबर आपने एनसीईआरटी में भी किया होगा ऐसा क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 396 मस्ट बी, इसको किससे मल्टीप्लाई करें?
ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यस, सेक्शन वन में कर लिया है बच्चों ने। यस यू कैन कम फॉरवर्ड सेक्शन वन। या यू आर यूजिंग योर हैंड। आंसर विल बी 11। यस आंसर इज कमिंग 11। इसका नॉर्मल एलसीएम लेना है आपने, ठीक है। जब एलसीएम लोगे तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, आई थिंक 2 × 2 × 3 × 3 × 11 समथिंग लाइक दैट। इज इट लाइक दिस? तो 11 जो है वो मिसिंग है इसमें से, है ना। इसके परफेक्ट वो पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर बनना बहुत जरूरी है। तो बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड? आंसर विल बी 11। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 11 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यू कैन राइट इट इन हिंट फॉर्म ऑल्सो बिकॉज दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड यू कैन डू द स्टेप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, सो डू इट वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत सारे स्क्वायर रूट दिख रहे हैं क्वेश्चन में। इज एक लॉन्ग आपके पास स्क्वायर रूट साइन है, उसके अंदर 41 लिखा हुआ है, उसके अंदर एक और स्क्वायर रूट है, उसमें 21 प्लस 19 माइनस 9 लिखा हुआ है। 19 माइनस 9, ऑब्जर्व द क्वेश्चन वेरी केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर ओनली, बाद में इसको कॉपी डाउन करना क्योंकि दिस इज यूनिक क्वेश्चन फॉर यू। वी हैव टू स्टार्ट, आपको बहुत सारे स्क्वायर रूट दिख रहे हैं इसमें। सबसे पहले द स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज दिस नंबर। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंटरनल, पहले हम इसको देखेंगे, फिर इसको, फिर बाहर वाले को, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्मॉल वाला स्क्वायर रूट, थोड़ा लॉन्गर वाला, फिर उससे लॉन्गेस्ट। ओके, सो यू नो कि व्हाट इज 19 माइनस 9, 9 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। कैन यू सी एक और भी स्क्वायर रूट है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूट नंबर विच इज 9। सो आई विल राइट अ स्टेप हियर जिसमें मैं लिखूंगी 41 एज इट इज, 21 एज इट इज, प्लस 19 एज इट इज, माइनस, नाउ आई एम राइटिंग रिमूविंग द स्क्वायर रूट ऑफ 9। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9? 3, एवरीबॉडी नोज, फाइन, इट इज 3। तो मैंने 9 का स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया, वो मेरे पास बन गया 9। नाउ सी द अदर स्टेप, दूसरे वाला, उससे बिगर वाला स्क्वायर रूट। यू नो जैसे आपने बोर्ड मास में 6 में पढ़ा था कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सिमिलरली पहले हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। किस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? व्हाट इज 19 माइनस 6? 16। तो लेट अस कैलकुलेट, फिर से हमने इसको ऐसे कर दिया, 41 माइनस 21 प्लस स्क्वायर रूट 16, ठीक है। ये डिजाइन आपको बनाते जाना है, क्वेश्चन तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। यू आर जस्ट रिपीटिंग, एवरी स्टेप पे आप रिपीट करते जा रहे हो नंबर्स को और डिजाइन, वो जो स्क्वायर रूट वाला बना रहे हो। इज इट, आई कॉल इट डिजाइन ओनली, क्योंकि आपको केयरफुली ड्रॉ करना है उसको, है ना बच्चे। तो यू नो इट्स आंसर ऑल्सो, स्क्वायर रूट 16 एवरीबडी नोज, 4, यस। सो वंस मोर आई एम गोइंग टू राइट हियर ऑन दिस साइड, इट विल बी 41 माइनस 21 प्लस 4। मैंने 16 का रिमूव कर दिया स्क्वायर रूट। दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल नंबर आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, 21 प्लस 4 25। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25? ओरल क्वेश्चन है ये आपका, 41 माइनस 5। अभी मेरे को वो मैंने एक स्टेप इसमें से स्किप कर दिया बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। 5 आ गया, वेरी गुड, आई कुड हियर योर साउंड। आप आराम से बैठे हो लेकिन आपकी आवाजें पूरी आ रही है मेरे को, आई कैन हियर वेरी क्लियरली। आंसर इज 6। क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल बट लिटल
लिटिल हार्ड वर्क वाला क्वेश्चन था, क्योंकि आपको बार 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 स्क्वायर रूट को केयरफुली देखना पड़ रहा था, साइन को देखना पड़ रहा था कि प्लस है या माइनस है। हु हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, देन यू आर वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अभी हायर क्लासेस में आएंगे ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि स्टेप वाइज आप बेटा जो रेफरेंस बुक्स देखोगे ना अपनी एग्जाम आइडिया बुक या आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, उनमें हैं ही ऐसे वाले क्वेश्चंस। एंड मैनी चिल्ड्रन दे से कि अरे ये क्या है, इतने स्क्वायर रूट क्यों आ गए इसमें, आते नहीं कोई बात नहीं, हमें क्या है, हमें तो प्रोसेस पता है कैसे डील करना है, हमें ये पता चल गया कि एक स्क्वायर रूट का हमने कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद चाहे उसके ऊपर 10 और आ जाए हमें क्या लेना देना, इज इट और नॉट, हम तो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो आपकी ऑप्शन मैच कर रही है ए, ठीक है बेटा। चलो सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, रीडिंग इट। द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16,800 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, मुझे लगता है ये आपको आता होगा, प्रोसेस बताना है। ठीक है, ठीक आंसर तो चलो आ ही जाएगा, सो प्रोसेस प्रोसेस कौन बताएगा कि सब्ट्रैक्टेड में क्या प्रोसेस लगाते हो, कैन आई आस्क मेघा फ्रॉम सेक्शन 3, मेघा आर यू देयर, एनीबडी एल्स फ्रॉम सेक्शन 3, किसी को पता है कि नंबर सब्ट्रैक्टेड कैसे सॉल्व करते हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, आपकी एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन। यस, somebody raised his hand in section 3, मैंने अभी देखा है, प्लीज कम फॉरवर्ड, आगे आ जाओ। ओके सॉरी राइट, यस यू टेल, यस विल फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट स्मॉल क्या करोगे मेरे को थोड़ा बता दो, एंड वी हैव टू सबट्रैक्ट बाय रिमाइंडर। सबट्रैक्ट द रिमाइंडर ऑल्सो, या ही टोल्ड मी, यस वेरी गुड, यू हैव टू राइट द यू नो सॉल्व इट, फाइंड दिस जो भी आएगा आपका क्वेश्चन, और जो भी रिमाइंडर नीचे आएगा, मान लो आपके पास 31 आया या कुछ भी आया, उसको आपने नंबर में से माइनस कर देना है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा, या आपने एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन किया होगा, सो आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट ऑफ दिस, तो प्लीज डू इट। ऑप्शन इज बी 159, आंसर मार्क कर लो एंड प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, प्रोसेस आपको पता है, लॉन्ग डिवीजन आपको पता है, ठीक है, मैं आपको अभी 8th क्वेश्चन करवाऊंगी, एवरीबॉडी हैज मार्क्ड बेटा, 7th क्वेश्चन का बी पार्ट आंसर आ रहा है 159, आपको हिंट दे दिया मैंने, प्लीज सॉल्व इट बाय द सेम मेथड जो आपने एनसीईआरटी में किया है। आई एम मूविंग टू 8th क्वेश्चन, दिस इज प्रोमिनेंट क्वेश्चन, काफी टाइम्स ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं लेडर वाले, क्योंकि लेडर में हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम बनती है। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू मिस्टर वॉल, लीन मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय लीन, हु इज गोइंग टू टेल मी, रेज योर हैंड, लीन अगेंस्ट अ वॉल सेक्शन 2, यस यस, स्लांटिंग, स्लांटिंग, यू नो जब भी लेडर रखते हो बेटा वॉल के साथ, तो वो स्लांटिंग शेप में ही आएगी ना, आप अगर नॉर्मली भी लैडर रखोगे कोई बंदा उसके ऊपर, उसको बैलेंस करने के लिए आपको उसको स्लांटिंग पोजीशन में रखना पड़ेगा वॉल के अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड लीन्ड पोजीशन। ओके, सो 5 मीटर, 5.5 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीन्ड अगेंस्ट मीटर्स हाइपोटेन्यूज, फाइन, द लैडर रीचेज द वॉल एट अ हाइट ऑफ 4.4 मीटर्स, लैडर रीचेज द वॉल एट अ हाइट ऑफ 4.4 मीटर, आपको फिर पहुंच रही है, दैट इज 4.4 मीटर, एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर, दिस इज योर वॉल, दिस इज फुट ऑफ द लैडर, दिस डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट, दिस इज क्वेश्चन मार्क, फिगर आया था कि एक अपनी पिक्चर ड्रॉ कर लिया करो, पैरामीटर एरिया वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं या ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, प्लीज एक अपनी विजुअलाइज फिगर बना लिया करो, उससे आपका क्वेश्चन 50% क्वेश्चन जो है वो डन हो जाता है, यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियर, ड्रॉ द डायग्राम या कुछ अपनी एक रफ में अपनी विजुअलाइज करने के लिए एक पिक्चर बना लो, एंड आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि हाउ टू फाइंड, दिस इज अ वॉल, दिस इज अ लैडर, एंड यू नो वॉल तो ठीक है पता है, एंड लेट मी कॉल द नेम, नंदिनी, नंदिनी आर यू सिटिंग इन सेक्शन 3, आगे आ जाओ, यस सेक्शन 3, एनी अदर चाइल्ड,
दिव्यांशी, ठीक मैम हैव द कम, ये बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, तो आगे भेज दो इनको। नो, सेक्शन फोर, आई कैन सी सेक्शन फोर, या यू आर रेजिंग योर हैंड, प्लीज कम फॉरवर्ड, आगे आ जाओ, शाबाश। यस यस यस, टेल मी, यस, पाइथागोरस थ्योरम, हेलो, एक्सेलेंट, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, कैन यू टेल मी? पाइथागोरस थ्योरम कंसिस्ट्स ऑफ अ बेस, हाइट एंड परपेंडिकुलर। यस, यू नो हाइपोटेन्यूज, उसमें हाइपोटेन्यूज पता होने चाहिए, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। व्हाट फॉर्मूला यू अप्लाई इन दिस बेटा? एल अच्छा, हु विल करेक्ट इट, हु विल करेक्ट जो वो बोल रहा है? यस, आई कैन सी हैंड इन सेक्शन वन, आगे आ जाओ, वेरी गुड, कम फॉरवर्ड, प्लीज करेक्ट इट। हाँ, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम जिसमें आप अप्लाई करते हो। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज आपको पता है 5.5, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4.4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो आपको नहीं पता, लेट इट बी लाइक दिस। तो जब इसको सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू इसकी आ रही है, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, इट इज कमिंग 3.3 मीटर्स, इट इज कमिंग। ओके, 3.3 मीटर्स, दिस इज हाइपोटेन्यूज। आप पाइथागोरस थ्योरम आपने ऑलरेडी की है, आई नो, ठीक है, साइंस में भी यूज करते हो आप, काफी क्वेश्चंस में ग्राफ ड्रॉ करते हो, एंड इट इज फाइन। चलो, फ्यू क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डन, दिस एक्सरसाइज इज ऑलमोस्ट डन मॉड्यूल, ठीक है, प्लीज ट्राई अदर क्वेश्चंस एट होम। ओके, शैल आई गिव यू हिंट ऑफ 9th एंड 10th, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे आपको पता होना चाहिए। 9th का हिंट है बेटा बी ऑप्शन 63, प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि आपका कंसेप्ट अभी क्लियर है, यू कैन ट्राई दिस एट होम एंड यू कैन रीचेक कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। और 10th की ऑप्शन है बेटा बी, 18 मीटर स्क्वायर। अगर कोई डाउट होगा वी कैन डिस्कस इन अदर नेक्स्ट क्लास। चलो, बेस्ट विशेस बेटा, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टीचर्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8, हेलो, चलिए 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 चलिए, ठीक है, सो हाउ आर यू, फाइन, हाँ ठीक है। आज थोड़ा सा हम वी विल कैन वी स्पेंड 2-3 मिनट्स ऑन आई फ्लू, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम आई फ्लू नाउअडेज। व्हाट्स द डिजीज कॉल्ड एज, इस डिजीज को क्या बोलते हैं आई फ्लू को? कंजक्टिवाइटिस, वी कैन से इट कंजक्टिवाइटिस। और अच्छा कंजक्टिवाइटिस जो है एक माइक्रोबियल डिजीज है, माइक्रोब्स, यू नो, इट कैन बी बैक्टीरियल और इट कैन बी वायरल। कुछ बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट करते हैं आईज को और कुछ वायरसेस भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, वाय? अब देखो मेरी बात सुनो एवरीबॉडी, कि ये माइक्रोब्स हमारे आसपास हमेशा ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी आए फिर खत्म हो गए, नो, दे रिमेन हियर ऑल द टाइम, बट इन सम सीजंस देयर नंबर इंक्रीजेस मोर। इन रेनी सीजन, आजकल क्या है, ह्यूमिडिटी है, साथ में टेम्परेचर भी हाई है, ये दोनों कंडीशंस, दीज आर फेवरेबल फॉर द डिवीजन ऑफ दीज माइक्रोब्स, एंड दोज पीपल हु हैव वीक इम्यूनिटी दे गेट इन्फेक्टेड विद दीज, ठीक है। और फिर जब कुछ लोगों को होना शुरू हो जाए तो वो इजीली स्प्रेड हो जाता है दूसरे लोगों में। कैसे कैसे स्प्रेड होता है? कि अगर हम उन लोगों के, इन्फेक्टेड पीपल के कांटेक्ट में रहे, तो इसलिए बेटा जैसे हम कोविड में आइसोलेट करते थे ना, अब आइसोलेशन का मतलब हमें पता चल गया, ऐसे ही कंजक्टिवाइटिस वाले जो लोग हैं, ने एक दो, कोविड में तो 14 डेज हमें आइसोलेट करना पड़ता था,
इनमें एक दो दिन 2 days आइसोलेट कर दो, तीसरे दिन खत्म हो जाता है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। ऑल द प्रॉब्लम रहती है बट इट विल गेट ओवर। तो 2 days यू नो आइसोलेशन इज इम्पॉर्टेंट। अनदर थिंग अगेन, जो हम कोविड में कहते थे कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो अपने हाथ अच्छी तरह से धो, अपने फेस पे आईज पे ऐसे ही ना हाथ लगाते रहो, मलते रहो, नहीं, खाना खाने से पहले हाथ धो, मुंह को हाथ लगाने से पहले अपने हैंड्स वॉश करो, सो दैट दीज माइक्रोब्स, वायरसेस और बैक्टीरिया, दे आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पीपल, राइट? ठीक है। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? रेड आईज हो जाती है, स्वोलन आईज है, इन्फ्लेमेशन है, राइट? एंड ईचिंग तो बहुत होती है। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट? एंटीबायोटिक्स डालो, मॉइस्चराइज, जो एक लुब्रिकेंट होता है वो डालो, विच लू लू मीन्स विच सूदन्स योर आईज, लुब्रिकेंट डालो, एंटीबायोटिक डालो, और साथ में अपनी आईज को अच्छे पानी में धोकर, है ना, आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि कोल्ड वाटर, क्योंकि जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है अगर हम कोल्ड वाटर सेकते, राइट? तो कोल्ड पहले बॉयल करो पानी, फिर उसे ठंडा करो, फिर उसमें साफ कपड़ा डाल के अपनी आईज को थोड़े थोड़े टाइम बाद साफ करते रहो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट ओके? ठीक है, तो आज से ही सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हाथ जरूर धोने हैं। घर जाके अपने मम्मा को कहना है कि थोड़ा सा पानी बॉयल करके उसे ठंडा करके हमें दें ताकि हम अपना फेस वॉश कर सके, राइट? बट फ्रीक्वेंटली वॉश योर हैंड्स, ठीक है? और कोई अगर किसी घर में किसी भाई बहन को, पेरेंट्स को, किसी को भी कंजक्टिवाइटिस है तो उसकी बेडिंग अलग रखे, ठीक है? उसके जहां वो बैठ रहा है उसको प्रॉपर क्लीन करके उसके लिए एक अलग जगह बनाए, उसकी बेडिंग अलग रखें ताकि वो माइक्रोब्स और जगह ना फैलें, आपको स्प्रेड ना हो ये डिजीज। इज इट ओके? ये कैसा डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज है बेटा, कम्युनिकेबल, यू नो क्लास 8 है, हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर किया है। कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स विद स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय कॉन्टेक्ट, देयरफॉर इट इज कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है? सो इट शुड बी प्रिवेंटेड। ठीक है जी, चलिए, सो लेट्स कम टू कंजर्वेशन ऑफ द यू नो प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम मेनली बात कर रहे हैं प्लांट्स की, बात कर रहे हैं विच वी वर डूइंग लास्ट टाइम। तो व्हाट इज द मेन कॉज फॉर डिक्रीजिंग द बायोडाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। क्यों एक्सटिंक्ट हो रही है? मेन कॉज है डिफॉरेस्टेशन। और कटिंग ऑफ ट्रीज। बेटा बातें तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ बात करनी है आपने, आपस में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? अब हम पहले डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स है क्या नहीं है वो हम करेंगे, यू विल टेल मी, बट हम सबसे पहले करेंगे कि ट्रीज के क्या फंक्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो सबसे पहले तो बेटा ये है कि ट्रीज में दे आर यूनिक, ध्यान से, यूनिक इन हैविंग, क्या है इनमें यूनिक? इन हैविंग क्लोरोफिल। ड्यू टू विच दे अंडरगो फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स, हमें कोविड में पता चल गया
है ना, कि ऑक्सीजन कितनी अगर हमें आर्टिफिशियल बनानी पड़े, वो लेनी पड़े तो कितनी महंगी होती है, और हमें ये ट्रीज फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, और हम क्या करते हैं, वो कंक्रीट के घर बनाने के लिए पेड़ों को लगातार काटते हैं। ठीक है, तो कोविड से हमें ये तो समझना चाहिए कि जो हमें फ्री में चीज मिल रही है उसकी अगर हमें कॉस्ट लगानी पड़े तो हाउ कॉस्टली इट इज। सो ऑक्सीजन, दिस इज यू कैन से वी कैन नॉट पे टू ट्रीज एनीथिंग फॉर द ऑक्सीजन दे गिव टू अस, प्राइसलेस है प्रोडक्ट, देन दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई अमाउंट ऑफ CO2 इज ए पोल्यूटेंट, ठीक है, हाई अमाउंट, ये नहीं कि थोड़ा सा CO2 है तो पोल्यूटेंट है, नहीं, एक लेवल से जब ज्यादा हो जाता है इट एक्ट्स एज ए पोल्यूटेंट। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा और समझेंगे कि अर्थ है, दिस इज अर्थ, यहां पे जो है इस सरफेस पे ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है, ये कोर है अर्थ का, और ये सरफेस है, सरफेस पे हम रहते हैं, और इस सरफेस के अराउंड ये सारा क्या है, अ ब्लैंक स्केट ऑफ एटमोस्फेयर, ये सारा क्या है, दिस इज एटमोस्फेयर। विच हैज एयर, एयर मेन है, एयर में क्या है, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, CO2 है 0.03%, और बाकी के रेस्ट ऑफ गैसेस ये सब प्रेजेंट है। और बेटा एक प्लेनेट है हाँ जी, द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू अर्थ इज, कौन सा प्लैनेट क्लोजेस्ट है बेटा, इज इट मार्स की वीनस, मार्स है। चलिए तो अब लेट अस से दिस इज अनदर प्लैनेट, यहां पे क्या है, यहां पे भी ये एटमॉस्फेयर है, एंड बट इट नो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमोसफियर है बट देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड, देयर फोर लेट अस से कोई भी प्लैनेट है, प्लैनेट बी है ये, राइट, व्हेन देयर इज एटमोसफियर इज देयर, ऑक्सीजन इज देयर बट देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड, देयर फोर इट इज वेरी कोल्ड प्लेनेट। अगर अर्थ पे, ध्यान से बात सुननी है, अगर अर्थ पे CO2 ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, तो वी कैन नॉट लिव ऑन अर्थ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाए तब भी हम नहीं रह सकते, बट अगर नहीं होगी तब भी नहीं हम रह सकते। CO2 जो है, CO2 इज ए, बातें नहीं, ग्रीन हाउस गैस, विच हेल्प्स इन वार्मिंग ऑफ अर्थ, इन द
एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ सीओ टू देयर वुड हैव बीन फ्रोजन अर्थ, सारी अर्थ फ्रोजन होती, नो लाइफ, तो कोई लाइफ नहीं होती, ठीक है. एंड व्हाट इज दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, एनीबडी हु कैन टेल मी, रेज योर हैंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, डू यू नो इट और यू डोंट नो इट, यस रेज योर हैंड हु नोज ग्रीन हाउस इफेक्ट, नहीं पता, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज है. ही क्लियरली ये बेटा ये अर्थ है, ध्यान से इधर, दिस इज अर्थ, ये सरफेस है जहां पे हम रहते हैं, देन दिस इज ब्लैंकेट, दिस इज द ब्लैंकेट ऑफ एनवायरनमेंट या एटमोस्फियर, ठीक है. यहां पर क्या प्रेजेंट है, इस ब्लैंकेट में क्या प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद वाटर वेपर्स है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड देयर आर मेनी मोर, मिथेन है, CH4 इज मिथेन, ये सब प्रेजेंट है, ठीक है जी. इनमें से अगेन ध्यान से ये बात सुननी है, इसमें से ये जो दो है, दीज आर, और भी है बट दीज आर यस एक मिनट आगे आके बोलो क्या कह रहे हो. CO2 एंड CH4 है तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस, वेरी गुड. ये क्या कर क्या रही है, ये यहां से सोलर रेडिएशंस अर्थ के सरफेस पे आती है, मेनी सोलर रेडिएशंस, दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे लिबरेट सम हीट, ऐसा नहीं कि वो आई और वापस चली गई, नहीं, दे लिबरेट सम हीट एंड देन दे आर रिफ्लेक्टेड बैक, दोबारा से ये स्पेस में चली जाती है. बट यहां तो हमने दिखाया कि वो सारी चली जाती है, बट नो देयर आर सम सोलर रेडिएशंस विच व्हेन ट्राइज टू गो बैक आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है. दोबारा से मैं बता रही हूं कि सोलर रेडिएशंस दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द हीट सरफेस ऑफ द अर्थ एंड देन रिफ्लेक्टेड बैक, बट ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फियर दे एब्जॉर्ब सम ऑफ द सोलर रेडिएशन. बहुत हाई टेम्परेचर है सोलर रेडिएशन का, आई और वापस चली गई, बट अगर ग्रीन हाउस गैसेस है तो जब वो वापस जा रही है दे आर ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है. तो कुछ सोलर रेडिएशन अर्थ के एटमोस्फेयर में ही रह जाती है, विच गिव्स वार्मिंग इफेक्ट, विच वार्म्स द अर्थ, ठीक है. बट अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर ज्यादा हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, देन व्हाट हैपेंस, देन सोलर रेडिएशंस, मोर सोलर रेडिएशंस विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, डू यू गेट मी. और जितनी ज्यादा, पहले लेट अस से फॉर एग्जांपल, पहले 100 रेडिएशंस आ रही थी और इसमें से
रेडिएशंस आर एब्सॉर्ब्ड। लेट अस से, ये तो मैं वैसे ही एक एग्जांपल सी, मैं फेक एग्जांपल बता रही हूँ, बट कैलकुलेशन से कि 5 रेडिएशंस आर एब्सॉर्ब्ड और ये वाली रेडिएशंस वार्म द अर्थ। बट अगर उसको पकड़ने वाली, उनको एब्सॉर्ब करने वाले गैसेस ज्यादा हो गए हैं, तो अब 100 रेडिएशंस ऑन अर्थ बट 20 रेडिएशंस आर एब्सॉर्ब्ड। एंड व्हाट विल हैपन? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, राइट रॉन्ग। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट, राइट डाउन एवरीबडी अपने असाइनमेंट पे, कॉपी पे, कहीं पे भी लिखो, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, इफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, देन वाई, देन वाई मोर कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाई मोर सीओ टू इज कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट, देन वाई मोर सीओ टू इज कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट। तो इसका आंसर लिखिए, बिकॉज सीओ टू इज ए ग्रीन हाउस गैस, बिकॉज सीओ टू इज ए ग्रीन हाउस गैस विच ट्रैप्स सम ऑफ द सोलर रेडिएशंस सम ऑफ द सोलर रेडिएशंस रीचिंग ऑन द अर्थ दस गिव्स वार्मिंग इफेक्ट टू द अर्थ, दस गिव्स वार्मिंग इफेक्ट टू द अर्थ। बट इफ सीओ टू इज इंक्रीज्ड, बट इफ सीओ टू इज इंक्रीज्ड इन एयर, then it will absorb more solar radiations. Then it will absorb more solar radiations, thus causing global warming. ठीक है, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। Increase in average temperature of the earth is called as global warming. ठीक है, दोबारा से मैं बता रही हूं, ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है, सोलर रेडिएशंस यहां पर आती है
दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अर्थ एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक, बट सम ऑफ द सोलर रेडिएशंस दे आर ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, वो ट्रैप हो जाती है और हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है. जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतनी ज्यादा ट्रैप करेंगी, उतना ज्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इज इट ओके? सो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज, इससे क्या होगा? इंक्रीज इन सीओ टू एंड इट इज मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड दिस कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो कटिंग ऑफ ट्रीज क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग कर रही है. इज इट क्लियर एवरीबडी? ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि रूट्स, रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड्स सॉइल. सॉइल पार्टिकल्स को वो बाइंड करके रखती है. इफ नो प्लांट्स सॉइल बिकम्स लूज, इट फ्लोज विद एयर एंड वॉटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन. यस, इट इज सॉइल इरोजन. और सॉइल इरोजन से क्या होगा? दैट इनफर्टाइल सॉइल, इनफर्टाइल लैंड, जहां पे प्लांट्स लगने बंद हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन. तो डिफॉरेस्टेशन क्या कर रहे हैं? डेजर्टिफिकेशन कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स कर रहे हैं जहां पे प्लांट्स ग्रो नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि टॉप फर्टाइल सॉइल जो है वो इरोड हो गई है, वो बह गई है, वो उड़ गई है. इज इट ओके? क्लियर एवरीबडी? रेज योर हैंड्स हु आर क्लियर. ओके, वेरी गुड. देन अनदर, नो प्लांट्स, ध्यान से इधर. इफ देयर आर नो प्लांट्स वॉटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस. वॉटर एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि ऊपर की फर्टाइल सॉइल तो खत्म हो गई है. ठीक है, तो वॉटर नहीं एब्जॉर्ब होगा, ड्यू टू विच लेस ग्राउंड वॉटर. तो हमें जो हम ट्यूबवेल्स लगाते हैं वो हमें बहुत नीचे जाके पानी मिलेगा, ग्राउंड वॉटर कम मिलेगा, डिक्रीज हो जाएगा. फर्दर वॉटर की सॉइल रिटेनिंग कैपेसिटी, सॉरी सॉइल की वॉटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गई है या कम हो गई है. मोर वॉटर फ्लोज इन रिवर्स लेक्स एंड
may cause flooding? जब सॉयल में पानी नहीं जाएगा तो रिवर्स, नदी, नालों में यहां जाएगा, और जरूरत से ज्यादा जाएगा तो फ्लडिंग हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग कि अगर सॉयल इरोजन हो रही है सॉइल डिपॉजिटेड कहां पे? इन रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा। अगर यहां पे सॉइल डिपॉजिट हो जाएगी तो क्या होगा? डिक्रीज इन डेप्थ। डिक्रीज इन डेप्थ ऑफ दीज रिवर्स एंड लेक्स, और पानी बहुत आ गया, अगेन दे कॉज फ्लडिंग। इज इट ओके? ठीक है, तो क्या कर रहा है? डेजर्टिफिकेशन भी कर रहा है, डेजर्ट्स बना रहा है, दूसरी तरफ से फ्लडिंग भी कर रहा है, और तीसरा ड्रॉट्स भी कर रहा है। एक तरह देखो सब चीजें अलग अलग है, ऑल्दो कनेक्टेड। आप कहेंगे फ्लड्स भी आ रहे हैं, ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना। कैसे सूखा पड़ रहा है? बिकॉज लेसर द प्लांट्स, लेसर इज द ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन कम होगी तो क्या होगा? एयर में वाटर वेपर्स कम होंगे, एयर में वाटर वेपर्स कम होंगे तो रेन भी कम आएगी। सो ऑल दिस, सो डिफॉरेस्टेशन कॉजेस लेस रेन कॉजिंग ड्रॉट, सेकेंड डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर, तीसरा डेजर्टिफिकेशन, चौथा फ्लडिंग। इज इट ओके? समझ में आई? हम चलिए जल्दी से, असाइनमेंट है सबके पास? हाँ चलिए, हम असाइनमेंट जिसके पास नहीं भी होगी वो आंसर जरूर लिखना। हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? जल्दी से सेक्शन वन, सेक्शन वन जल्दी से आ जाओ। यस आ जाओ, फर्स्ट स्टूडेंट आ जाओ। यस इट इज ऑल द अबव, डिक्रीज रेनफॉल, सॉइल इरोजन, डिटीरियोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी। आपको थोड़ा सा दिख कम रहा होगा, मैं यहाँ हाँ इज इट ओके? दिख रहे हैं आपको? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा। डिफॉरेस्टेशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। यस सेक्शन टू, जल्दी से आ जाओ, आगे आ जाओ फटाफट से कोई स्टूडेंट। डिक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, ए तो हो नहीं सकता, CO2, प्रमोटिंग रेनफॉल ये भी नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन ये भी नहीं है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट? देन हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द वॉटर साइकिल? सेक्शन थ्री, सेक्शन थ्री। हाँ जी आर्यवीर, आर्यवीर इज देयर सेक्शन थ्री? हाँ बेटा जल्दी से आओ, हमारे पास टाइम कम है। तुषार नहीं, ये नहीं, ये तो आई थिंक ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स है। चलिए नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सेक्शन 3 में से जिसको ये क्वेश्चन आता है वो आ जाओ जल्दी से। यस कम क्विकली, यस बेटा। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द वाटर साइकिल? डिस्ट्रीब्यूट बोलो, लाइन बोलो पूरी। साइकिल इट डिसरप्ट्स द वॉटर साइकिल, वॉटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है बैठो बेटा, किसी जगह बहुत ज्यादा रेनफॉल है, किसी जगह सूखा पड़ रहा है, इट डिस्टर्ब्स द वॉटर साइकिल। यस डिफॉरेस्टेशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्लडिंग बिकॉज, सेक्शन फोर जल्दी से। यस देर इज वन हैंड एट द बैक, जल्दी से आ जाओ।
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो स्टूडेंट आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, भाग भाग के आगे आ जाओ। ट्रीज ट्रीज प्रिवेंट इरोजन एंड रेगुलेट, यस इट इज सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है कि ट्रीज प्रिवेंट इरोजन एंड रेगुलेट्स वाटर फ्लो, बिल्कुल ठीक है। सो फ्लडिंग इसीलिए है क्योंकि इरोजन हो जाएगी और वाटर जो है बहुत सारा जो है वो नदियों नालों में जाएगा, विच कॉजेस फ्लडिंग, सी ऑप्शन। देन व्हेन ट्रीज के आर रिमूव थ्रू डिफोरेस्टेशन द सॉयल बिकम्स, यस ये आपको पता है, यस सेक्शन वन फर्स्ट स्टूडेंट राइट साइड, हाँ जी आ जाओ बेटा, इधर से बताना, वहां शायद ऑप्शन कोई गलत है, इन चारों में से बताओ। हाँ सॉइल बिकम्स, यस यस इट बिकम्स लूज एंड प्रोन टू इरोजन, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन रिलीज टू फ्लडिंग, सेक्शन टू, सेक्शन टू, बेटा ऐसे ऐसे बिल्कुल बातें नहीं, सेक्शन टू में से समबडी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन रिलेशन टू फ्लडिंग, तो यहाँ पे क्या है आंसर आ जाएगा बेटा, यस सेक्शन थ्री, हाँ जी बोलो बेटा, अच्छा सेक्शन टू में से, आ जाओ बेटा, आ जाओ, कम कम, सी इंक्रीज सरफेस रन ऑफ, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, इंक्रीज्ड सरफेस रन ऑफ की भी बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, सरफेस रन ऑफ का मतलब है बहुत सारा पानी बहकर नदी नालों में चला जाएगा, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट चेंजेस मे अकर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, यस सेक्शन थ्री, यस सम गर्ल कम कम फॉरवर्ड, यस कंजर्वेशन ऑफ फर्टाइल लैंड इन फर्टाइल लैंड डेजर्ट, बिल्कुल ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट, बिल्कुल ठीक है, इट इज डी ऑप्शन, ये सब कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर एट, सेक्शन फोर, सेक्शन फोर, कोई और स्टूडेंट ये इधर से जो थर्ड फोर्थ, हाँ जी आ जाओ द गर्ल कम फॉरवर्ड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट वेव्स रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी गुड, बैठिए बेटा, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द डिफॉरेस्टेशन, यस सेक्शन वन, नहीं सेक्शन फोर की अभी बारी है, नहीं सेक्शन वन, यस सेक्शन वन, नॉट दिस, पीछे से कोई, यस कम फॉरवर्ड क्विकली, बेटे सेक्शन फोर बेटे आराम से, हाँ आप बताइए, हाँ प्रमोटिंग रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, बिल्कुल ठीक है, नए फॉरेस्ट बनाना, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पुराने फॉरेस्ट को मेंटेन करना, एंड एफॉरेस्टेशन मींस नए फॉरेस्ट बनाना, राइट, सो दिस इज डी एंड फटाफट से क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, ये आपको पता है, दिस इज ट्रू, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड देयर रिमूवल रिड्यूसेस द प्लैनेट्स कैपेसिटी टू बैलेंस ग्रीन हाउस गैसेस, ये बिल्कुल ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है ये, डिफॉरेस्टेशन कॉजेस क्लाइमेट चेंज बिकॉज ट्रीज जो है CO2 एब्जॉर्ब करता है और ट्रीज की रिमूवल से ग्रीन हाउस गैसेस का बैलेंस खत्म हो जाएगा, सो आंसर इज ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, और ये कौन बताएगा, बस लास्ट क्वेश्चन है, हु विल टेल मी,
यस सेक्शन फोर में से, सेक्शन फोर हु विल कम फॉरवर्ड जल्दी से, तो आ जाओ आगे आके बताओ, आगे आके बताओ एनीबडी। हाँ हम देखते हैं, ट्रीज प्रोवाइड हैबिटेट एंड फूड सोर्सेज फॉर न्यूमरस प्लांट, देयर रिमूवल डिसरप्ट्स द इकोसिस्टम, इट इज ट्रू ट्री, ये जो है असर्शन ट्रू है, रीजन बताइए रीजन, आप बेटे बताओ तो सही पूरा, रीजन ट्रू है कि गलत है? डिफॉरेस्टेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉमा रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड दस कॉजेस डेजर्टिफिकेशन, ये भी ट्रू है ठीक है, बट हम जो है ट्रीज प्रोवाइड हैबिटेट एंड बिल्कुल ठीक है, इसकी वजह से ही जो है ट्रीज प्रोवाइड, लेट मी सी, ट्रीज प्रोवाइड हैबिटेट एंड फूड रिसोर्सेज टू दिस एंड देयर रिमूवल कॉजेस दिस बिकॉज टी, दिस इज दोनों ठीक है बट इसका ये रीजन नहीं है राइट right? अगर ये ऑपोजिट होता, अगर ये इधर होता असर्शन और ये इधर होता तो हम ए कहते, अब दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है बट असर्शन डज नॉट एक्सप्लेन, सॉरी रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन, दैट्स व्हाई आंसर इज बी राइट, आपने यही बताया था। ओके बेटा वेरी गुड, सो दिस इज ठीक है जी। अच्छा आप मुझे जल्दी से ये बताइए स्टूडेंट्स कि आप जो है स्कूल में आप कौन सा चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला कर रहे हैं, चैप्टर नेक्स्ट आर यू डूइंग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स? ओके 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 चलिए ठीक है बेटा, ऑल द सेक्शंस आर डूइंग द सेम, ओके बेटा थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू टीचर्स, बाय बाय।